गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी मैं अपने पीपीएफ की पासबुक चेक कर रहा था। पीपीएफ स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप ETC में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको सेविंग्स में जो आप सेविंग करते हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो मैं अपनी पासबुक चेक कर रहा था एंड आई वॉज ट्राइंग, मैं अपनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाह रहा था अपने अकाउंट में, बट वो करने नहीं दे रहा। देन आई जस्ट केम टू नो दैट कि मेरे अकाउंट को 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 ईयर्स की लिमिट होती है इसमें पीपीएफ अकाउंट में। अकाउंट 15 साल का हो गया तो आज के बाद आपको उसमें रिन्यू करवाना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होता है, तो उसी को करवाने के लिए मैं बैंक जा रहा हूँ। तो आप लोगों को बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है, उसमें कैसे उसे किया जाता है। सो बहुत गर्मी हो रही है आज, स्कूटर मैंने बाहर धो लिया, लेट्स मूव। पानी रख लिया, पासबुक रख लिया, तो निकलता हूँ। स्कूटी मैंने यहाँ पार्क कर दी है, बैंक मेरा पीछे है। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरा ब्रांच नहीं है जहाँ पर मेरा अकाउंट है। तो अभी मैं मेन ब्रांच में नहीं जा रहा हूँ, मेन ब्रांच में मेरा अकाउंट है। दूसरे ब्रांच में जाके देखता हूँ कि वहाँ पर ये प्रोसेस हो पाता है नहीं हो पाता है। अगर नहीं होता तो फिर मेरे को मेन ब्रांच जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँगा। वो फॉर्म एच है जो मेरे को फिल करना है, ये फॉर्म एच में मेरे को ये डिटेल्स फिल करनी है। करता हूँ और उसके बाद आगे देता हूँ। जैसे ही मैं बैंक में पहुँचा, मैंने जो भी कंसर्न लेडी थी उनसे पूछा, तो सबसे पहले उन्होंने नहीं बोला कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है और मेरा कंप्यूटर है अभी समय वर्क नहीं कर रहा है। सो ये तो लाइक दिस वाज एक्सपेक्टेड ऑन द लाइंस ऑफ SBI। सो एज एक्सपेक्टेड, जो डर था वही हुआ। आधे घंटे वेट कराने के बाद बोल रहे हैं आपका मेन ब्रांच में, मेन ब्रांच से होगा। तो चलिए मेन ब्रांच जाते हैं, वहाँ एक्सटेंड करते हैं। फॉर्म मैंने फिल कर लिया, फॉर्म यही यूज़ हो जाएगा। इसको एक्सटेंड कराने के लिए फॉर्म एच होता है, वो फिल करना होता है। ब्रांच में मैं आ गया हूँ, स्कूटी उधर गली में पार्क कर दिया, यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ। तो डर सा लग रहा है, पूछना पड़ेगा। सो काम हो गया, लेट मी टेल यू, बहुत फास्ट हुआ, सुपर फास्ट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लाइक द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस विद SBI बैंक, बहुत ही सुपर फास्ट हुआ। मैडम के पास गया जो उससे डील करती थी PPF अकाउंट से। सो मैंने फॉर्म तो पिछले बैंक में फिल कर लिया था, यहाँ पर मैंने उन्हें अपना फॉर्म दिया, उन्होंने जस्ट टैली करा, उसमें सिग्नेचर करे और उसको कंप्यूटर में एंट्री कर दी, एंड दे कंफर्म दैट इट इज़ नाउ एक्टिव एंड यू कैन यूज़ इट एज द वे जैसे आप पहले यूज़ कर रहे थे। तो बिल्कुल ईजी है, आपको एक फॉर्म एच फिल करना है। फॉर्म एच फिल करने में आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर डालना है और वाली डिटेल्स भरनी है कि आप उसको 5 ईयर्स एक्सटेंड करना चाहते हैं। उसके बाद आप साइन करके उनको दे देंगे, तो अगर वो आपको ज़रूरत लगी तो आपका सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे। मेरे केस में लगी नहीं, आई थिंक मैच सिग्नेचर मैच कर गया था एंड दैट इज़ इट, हो गया। सो दैट वॉज इट, ईजी एंड फास्ट। SBI बैंक आके मेरे को पहली बार बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। वाले बैंक ने मेरे को आधे घंटे वेट करवाया था, बट मेन ब्रांच में मेरा 5 मिनट्स में काम हो गया। 5 मिनट भी इसलिए वेट करना पड़ा क्योंकि वो अपनी सीट पर नहीं थी, जैसे ही भाई उन्होंने 1 मिनट के अंदर मेरा काम कर दिया था। थैंक यू सो मच। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए भी हो सकता है हेल्प करें। SBI बैंक में अगर आपको या किसी भी बैंक में आपका अगर PPF अकाउंट है, अगर 15 ईयर्स हो गए तो दिस इज़ द प्रोसेस टू गेट इट एक्सटेंडेड। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस SBI बैंक के साथ, मेन ब्रांच के साथ। आप लोग का भी जो बैंक में, स्पेशली अगर सरकारी बैंक में आपका जो एक्सपीरियंस है खट्टा मीठा, वो शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत एक्सपीरियंस, जो गंदा एक्सपीरियंस होता है वो तो शेयर कर देते हैं, बट कभी कुछ अच्छा होता है वो शेयर नहीं करते। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव हुआ है तो वो भी बताना चाहिए, निगेटिव हुआ है तो दैट शुड ऑल्सो भी हाईलाइटेड। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस खासकर सरकारी बैंकों में कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कि सब लोग के एक्सपीरियंस कैसे रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, होप इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आई होगी और कई लोग के लिए हेल्पफुल भी रही होगी।